दोस्तों इस बार हमने सोचा कि नए साल की शुरुआत किसी अच्छी जगह से की जाए, तो इसलिए इस बार हम चल पड़े हैं कांगड़ा में स्थित माँ बगलामुखी के दर्शनों को। और जैसे ही चंडीगढ़ से निकले तो बहुत सारी धुंध थी, लेकिन उस धुंध को चीरते हुए हम जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ बढ़ते गए, आगे मौसम साफ होता गया और हम लगभग 4 घंटे के सफ़र के बाद अपने गंतव्य पर पहुँचे। और नज़ारा कुछ अलग सा ही था देखने को। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, भक्तगण लाइनों में खड़े थे और दूर तक लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए हम लोगों ने भी मन में विचार किया कि अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद ही से हमारा नंबर भी आ जाएगा। और इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो जो जद्दोजहद शुरू हुई वो गाड़ी की पार्किंग की। तो जैसे जैसे हम भक्तों की लाइनों के साथ आगे बढ़ते गए, पार्किंग की जगह कोई नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी जैसे जैसे सब आगे बढ़ते गए हम भी आगे बढ़ते गए। तो थोड़ा सा आगे चलने पर हमें दाई तरफ में एक बोर्ड दिखाई दिया कि मंदिर ने सामने एक निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है, जो काफ़ी खुला मैदान था। तो हम लोगों ने भी अपने लिए पार्किंग के लिए स्थान ढूंढा और अपनी गाड़ी को पार्किंग में पार्क करके हम भी चल दिए लाइन में लगने के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ, आपको दर्शन करवाते हैं आज माँ बगलामुखी जो कांगड़ा में स्थित है। दर्शन जो है सभी को लाइन से ही होंगे, तो कृपया करके एक लाइन से ही दर्शन करने जाना है, तभी आपको मुख्य दरबार में जो है उचित दर्शन होंगे और शीघ्र अति शीघ्र दर्शन होंगे। और ये जो माता जी के प्रांगण में खड़े हैं या बैठे हैं, यदि आपके दर्शन हो गए तो दर्शन के बाद जो है अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारा नंबर भी आने को हुआ, तो हमने भी लाइन के साथ में लगी हुई प्रसाद की दुकानों से प्रसाद लिया और आसपास सब लोगों के साथ हम भी धीरे धीरे प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश कर गए। और अब थोड़ी सी उम्मीद बनने लगी थी कि हमारा नंबर भी जल्द ही आ जाएगा, और इसी आस्था और विश्वास को मन में रखते हुए हम भी आगे बढ़ चले हैं धीरे धीरे, एक एक सीढ़ी उतरते हुए। और ये देखिए धर्म ध्वजा लहराती हुई। और मंदिर का परिसर अब कुछ एक सालों में काफ़ी दूर तक और अच्छे तरीके से फैल गया है, तो इसलिए कोई धक्का मुक्की वाली हालात नहीं थे, बड़ा आराम से लाइनें चल रही थी और व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। और इन्हीं सब बाधाओं को पार करते हुए धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरते हुए हम भी पहुंच के मंदिर के प्रांगण में, जहां पर एक तरफ अखंड ज्योत जल रही थी और दूसरी तरफ भक्तों की लाइनें लगी हुई थी। और धीरे धीरे करते करते हम भी आखिरकार मंदिर के प्रांगण के मुख्य द्वार के पास पहुंच गए और अब हमारी बारी भी आ गई है दर्शनों की। चार घंटे की कड़ी तपस्या के बाद आखिर हमें भी मंदिर में माता के दर्शन हुए। और बाहर जो हवन चल रहे थे उस हवन में पंडित जी से हमने भी आशीर्वाद लिया और इन्हीं मंत्रों उच्चारणों के साथ हमें भी यूँ महसूस हुआ कि हमारी भी नए साल की शुरुआत एक अच्छे तरीके से हुई है। परिसर में बैठकर भक्तों का आना जाना देखते हुए मन को एक अलग सा सुकून, एक अलग सी शांति मिली और लगा कि शायद नए साल पे हमने भी एक अच्छी शुरुआत की है। तो धीरे धीरे जैसे मंदिर में बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि अगर आपने दर्शन कर लिए हैं तो आप धीरे धीरे प्रांगण खाली करते जाएं, क्योंकि भक्तों की लाइनें दूर तक थी, इन्हीं सब विचारों को मन में धरते हुए हमने भी दर्शनों के बाद यहां से
चलने का सोचा। नीचे पिछली साइड से एक सीढ़ियां नीचे उतरती हैं जहां पर एक प्राचीन शिव मंदिर है और हनुमान मंदिर भी। पहले यहां तक जाने का रास्ता इतना सुगम नहीं था, लेकिन अब मंदिर के साथ ही कनेक्ट कर यहां पर सीढ़ियां बना दी गई हैं, तो हम भी नीचे चल पड़े भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। और आसमान में दूर साफ मौसम और ये मंदिर की तरफ हम प्रांगण में पहुंचते हुए और यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने के लिए हम भी पहुंचे। नंदी बाबा को प्रणाम करने के बाद ये चल दिए हम मंदिर प्रांगण में। अंदर क्योंकि मंदिरों में दोनों तरफ कैमरा ले जाना की इजाजत नहीं है, तो बाहर से जितना हम दिखा सकते थे हमने आपको दिखाया। और भोले बाबा के मंदिर के पीछे ही हनुमान जी का मंदिर भी है, यहाँ भी हमने दर्शन किए और प्रसाद लेकर हम भी वापस चल पड़े वापसी की ओर। और यही मन में उम्मीद रखते हुए कि नए साल की शुरुआत हमने एक अच्छी जगह से की है, तो हमारा ये साल भी अच्छा ही बीतेगा। और हम अपने दर्शकों के लिए भी इस साल में सुख समृद्धि की कामना करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि आपको इस तरह की और भी नई नई जगह दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।